आप सभी साथियों को नवरात्र स्थापना की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हम यहाँ पर हिंदी साहित्य इतिहास टॉप 10 MCQs डेली कर रहे हैं, जो परीक्षा में आने वाले हैं, और व्याख्या सहित हम उनको है जो देख रहे हैं। ये अपनी कक्षा प्रतिदिन 4 बजे 4 PM के ऊपर है जो अपलोड होती है। कभी कभार थोड़ी देरी हो सकती है। जो कि ग्रेड फर्स्ट हो या ग्रेड सेकंड हो, दोनों ही भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये सवाल रहने वाले हैं। और प्रयास ये किया जा रहा है कि परीक्षा में जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन प्रश्नों का संकलन किया जाए। और ये क्लास संख्या 61, इससे पूर्व टॉप 10 वाली ये सीरीज़ है, इसके 60 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है कोणार्क, अग्निशिखा, आम्रपाली या अंधा कुआं। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प सी, आम्रपाली जो है, आम्रपाली जो है ये आपके बेनीपुरी साहब का नाटक है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं हम थोड़ी। व्याख्या में मैं बात करूं, देखिए व्याख्या में देखें तो जगदीश चंद्र माथुर नाटककार हैं, इनका नाटक है कोणार्क। ठीक है, और समय इसका प्रकाशन वर्ष 1951। कितना? 1951। तो कोणार्क नाटक जो विकल्प में आया था आपने, उसके नाटक जो रचनाकार है वो जगदीश चंद्र माथुर हैं, समय 1951 देखने में। जो अग्निशिखा नाटक आया विकल्प में, उसके रचनाकार राम कुमार वर्मा है, 1970 प्रकाशन वर्ष राम कुमार वर्मा का है अग्निशिखा 1970 में। वहीं राम वृक्ष बेनीपुरी का हमने देख ही लिया, विकल्प सी ठीक था, आम्रपाली 1940। और वहीं जो अंधा कुआ आया, ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, ध्यान में रखना, 1955। ये क्या है? नाटक है इनका, लक्ष्मी नारायण लाल का। चलिए अगला सवाल है, रंग दे बसंती चोला, इस नाटक के रचनाकार कौन है? रंग दे बसंती चोला, सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, भीष्म साहनी या विनोद रस्तोगी। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार, तो यहाँ पर भी अपना सी विकल्प है जो सही होगा, सी विकल्प है जो राइट आंसर हो जाएगा। भीष्म साहनी जो है रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं। अन्य की बात करें हम व्याख्या में, तो देखिए सबसे पहले भीष्म साहनी की बात करते हैं, तो प्रसिद्ध इनकी नाट्य कृति है हानोश 1977, कई बार परीक्षा में पूछी गई है हानोश, भीष्म साहनी की नाट्य कृति है 1977। कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, और आलमगीर 1999। आलमगीर को ध्यान में रखना, कई बार है जो पूछा गया है। मोहन राकेश के नाटकों में बात करें तो आषाढ़ का एक दिन बहुत बार सुना 1958, लहरों के राजहंस के बारे में कई बार ग्रेड सेकंड में है भी, आधे अधूरे, पैरों तले अंधेरा, ये अपूर्ण है और इसको कमलेश्वर साहब ने पूर्ण किया। तो पैरों तले अंधेरा जो इनका अपूर्ण है, इनको किसने पूरा किया? कमलेश्वर महोदय ने जो पूरा किया था। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों की अगर मैं बात करूँ तो द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक ये भी 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया। आठवां सर्ग 1976 में, देखिए आठवां सर्ग किसका है? 1976 में वर्मा का। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, ध्यान में रखना, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दुनी एक 1987 में, शकुंतला की अंगूठी 1990, और कैद ए हयात 1993, ये सारे के सारे सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। ठीक है, आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। बहुत अच्छा सवाल है कि प्रकाशन काल के अकॉर्डिंग निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की और द्रौपदी, या कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की, द्रौपदी, कोर्ट मार्शल, या फिर कथा एक कंस के पहले ये आएगा, फिर द्रौपदी, फिर कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल, और फिर कबीरा खड़ा बाजार में, या फिर द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में, और कोर्ट मार्शल।
कौन सा विकल्प ठीक होगा। तो यहाँ पर साथियों प्रकाशन के अनुसार हम देखें तो नाटकों में जो सही क्रम है वो डी होने वाला है, द्रौपदी, कथाएं कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल। अब ये क्यों होगा, जैसे कि द्रौपदी की बात करें तो द्रौपदी का हमें समय मिलता है 1972, 1972। फिर जो कथा एक कंस की, ठीक है, दूसरा ये आ रहा है, इसका मिलता है 1976, 1976, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, इसका हमें मिलता है 1981, ठीक है, और फिर 1991। तो देख लीजिए 72, 76, 81 और 91, तो चौथा विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और किन किन की ये रचनाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो द्रौपदी जो है ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। द्रौपदी किसका है, सुरेंद्र वर्मा का है, 1972 इसका टाइम है। कथा एक कंस की दया प्रकाश सिन्हा का है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का, और कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का। कोर्ट मार्शल को ध्यान में रखने, स्वदेश दीपक का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है। जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट या सेठ गोविंद दास। तो क्या उत्तर हो जाएगा, जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन है, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ए, कौन हो जाएगा, राम कुमार साहब, राम कुमार वर्मा महोदय जो हैं इसके लेखक हो जाएंगे। व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या में मैं बात करूं तो देखिए जो राम कुमार वर्मा के और नाटक हैं, कौमुदी महोत्सव 1954, विजय पर्व 1954, नाना फडणवीस ध्यान में रखें 56, अशोक का शोक ध्यान में रखें 1967, अग्निशिखा भी पूछा गया 1977, संत तुलसीदास, जय वर्धमान, स्वयंवरा, ये सारे के सारे डॉक्टर वर्मा के हैं जो नाटक हैं, ठीक है, डॉक्टर वर्मा के नाटक हैं। वहीं मैं बात करूं उपेंद्र नाथ अश्क जो अपने विकल्प के अंदर आया है उसकी बात करें तो लक्ष्मी का स्वागत, ये परीक्षा के अंदर कई बार पूछा गया, लक्ष्मी का स्वागत 1935, कितने 1935 में लक्ष्मी का स्वागत पूछा गया है। स्वर्ग की झलक की मैं बात करूं तो 1940, छठा बेटा इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी 1940। जय पराजय, वेरी इंपॉर्टेंट, जय पराजय भी उपेंद्र नाथ अश्क का 1937 हमें मिलता है। देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंजो दीदी को ध्यान में रखना 1955। अंजो दीदी पूछ लिया जाए किसका है, तो आपका उत्तर होना चाहिए उपेंद्र नाथ अश्क का है, ठीक है भैया। चलिए अगला सवाल देखिए, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन, नहुष, या नहुष, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन। ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन, नहुष या फिर अंधेर नगरी, या फिर रक्षाबंधन होगा, नहुष, अंधेर नगरी या ध्रुव स्वामिनी, चारों विकल्पों में से सही अनुक्रम बताना है आपको। तो यहाँ पर साथियों सही अनुक्रम होगा अपना क्या, बी। अब बी कैसे होगा, जैसे कि नहुष की बात करें तो नहुष का समय मिलता है अपने क्या, 1859 नहुष का। फिर दो नंबर पर आता है क्या, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी का मिलता है हमें 1881, तो 59 के बाद में 81, ठीक है। फिर अगला आता है ध्रुव स्वामिनी, इसका मिलता है हमें 1933, और इसके बाद में चार नंबर पर क्या, रक्षाबंधन 1934, ठीक है। तो नहुष 1859, अंधेर नगरी 1881, ध्रुव स्वामिनी 1933 और रक्षाबंधन जो है 1934। अब इनके रचनाकारों की मैं अगर बात करूं तो देख लीजिए व्याख्या में, नहुष के रचनाकार कौन, गोपाल चंद्र गिरधरदास, 59 हो गया। अंधेर नगरी के भारतेंदु हरिश्चंद्र, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है व्याख्या में, ऐसे कैसे पूछेगा प्रश्न। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद 33, रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन के लेखक कौन है, हरिकृष्ण प्रेमी साहब हैं, ठीक है साथियों। तो ये था अपना आज का वीडियो। वैसे आपसे एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर है जो आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है,
भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। विकल्प है आपके सामने गोरक्ष विजय। पहला विकल्प क्या है? गोरक्ष विजय। दूसरा विकल्प है कालिका मंगल। कालिका मंगल। तीसरा विकल्प है आपके सामने सरस्वती मंगल। सरस्वती मंगल। और चौथा विकल्प है आपके सामने विद्या सुंदर। विद्या सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है इसमें से, वो आप कमेंट करके है जो बताइएगा। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और डिस्क्रिप्शन में आपको नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वो सारे मिल जाएंगे। ज़रूर आप ज्वाइन है जो कर लीजिएगा। जय हिंद।